ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं चीवर बोलते हैं इसको, चीर से बना हुआ है चीवर, ये सिर्फ भिक्कुओं का होता है। इसका रंग भी जैसा ये रंग है और भी तरह का रंग हो सकता है, जो पेड़ की छाल से, फूलों से, पत्तियों से रंगे जाते थे, ये विनय पिटक में नियम है। तो भिक्कू सारे आज भी थाईलैंड के अंदर पेड़ों की छाल से, फूल पत्तियों से अपने चीवर को रंगते हैं, जंगल में वो वहाँ से रंग लाते हैं, रंगते हैं। इसको भगवा कलर बोलते हैं क्योंकि इसको दुखों को भग्न करने वाला व्यक्ति पहनता था, जो बुद्ध थे उनको भग्नवान बोला करते थे, तो उनके कपड़े को भगवा करके बोला करते थे। ये रंग वहाँ से चला है, उससे पहले पूरे भारत में ये रंग नहीं हुआ करता था, भगवा बोलते हैं। बुद्ध ने सारे जितने भिक्कू थे उनके संघ में, क्योंकि उनका धम्मिक संघ था, भिक्कु संघ जो था वो धम्म को सिखाता था, तो उन्होंने सबकी शक्लें एक सी कर दी, सबके बाल हटा दिए, मूछ दाढ़ी हटा दी, और सबको एक सा चीवर, एक सा कपड़ा दिया। उसके बाद जितने भी दुनिया में जिन लोगों ने भी संघ बनाए, उन लोगों ने अपने संघों में कपड़े अलग तरह के रखे। पूरी दुनिया में आज भी जो ये चीवर है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 13 प्रकार का चलता है। इसको वहाँ रॉब बोलते हैं, मंग का रॉब, हम इसको चीवर बोलते हैं, वो चीवर भी बोलते हैं। और जो अलग अलग और लोगों आए जिन्होंने अलग मत चलाए या संघ चलाए, वो लोग भी ऊपर से नीचे तक का लबादा या रॉब या चोंगा इस तरह का पहनते हैं। ये प्रचारकों की एक खास तरह की कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है ताकि अंदर जो उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है उसका समाज के ऊपर कोई खराब प्रभाव ना पड़े, शरीर पूरा ढक जाए, और कोई कपड़े पहन के भी अगर बात बताता है तो उसका कपड़ा एक सा रहे। इसलिए नागपुर के अंदर ये तय हुआ कि आज के बाद से, यानी नागपुर के बाद से, हम लोग जो भी यहाँ बैठेंगे और जो संघ को संबोधित करेंगे, वो समण संघी, जो हमारा परिवत है, परि माने चारों तरफ लपेटा हुआ और वत्थ माने वस्त्र, तो हम समण संघी परिवत पहनेंगे। हम चीवर नहीं पहन सकते, क्योंकि चीवर जो होता है वो भिक्कू पहन सकता है, जो धम्म सिखाएगा वो पहन सकता है, हम धम्म नहीं सिखाते। हम सामाजिक नियम सिखाते हैं, हम संघ के नियम सिखाते हैं, इसलिए हमारा ये वाला चलता है। क्योंकि उपासक सारे के सारे सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करते थे पहले, और भिक्कू अलग रंग के पहना करते थे। भंते जी को यहाँ इसलिए बैठाया है क्योंकि हमारे समर संघ में लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे संत हैं उनका एक स्थान, एक स्टेप ऊपर रहेगा, इसलिए भंते जी थोड़े से आगे हैं और मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। ये हमेशा ध्यान रखना, जब कोई संत आए, कोई भिक्कू आए, कोई भिक्कुणी आए, तो उनको एक स्टेप ऊपर बैठाना चाहिए, और अगर एक स्टेप ऊपर ना बैठाओ तो थोड़ा आगे करके बैठाना चाहिए। उनको चाहे आप कुछ कहो ना कहो, पर उनको सम्मान देना समण ग्रंथ की ड्यूटी है, वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए उनको देना चाहिए। वो हमारे सारे संत हैं, इसलिए ये सत्थक दंड चलेगा आपके बाद से। और ये जो समण संघी परिवत है, ये सबको अपना अपना बनवाना पड़ेगा। ये सैंपल के लिए आया है, इसमें समण संघ वाले जो भी इसमें चेंज करेंगे, हाउस में जो भी चेंज होगा, जैसे पास होगा उसके बाद में ये मिल जाएगा, और आप अपने अपने साइज़ का इसको बनवा सकते हैं। अगर कोई साइज़ का ना भी बनवाए तो उसको यहाँ मिलेंगे, वो पहन के यहाँ बोलेगा। इसे पहन कर बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस इसलिए होता है कि ऐसा लगता है कि हमें हमारे समर संघ होने का, संगी होने का, हमारे इतने सारे लोग होने का एक अस्तित्व प्रदान होता है। अभी तक हमने औरों के ही देखे, अभी तक हमने औरों को पहने हुए देखा, हमने देखा कि और जो संघ के लोग हैं वो इसको पहनते हैं, जब उनके कार्यक्रम होते तो बड़े बड़े चोंगे वो पहनते हैं। पर आपने देखा होगा कि समर संगी यानी समर जो लोग हैं वो चोंगा नहीं पहनते, क्योंकि उनके चोंगे छीन लिए। ये सम्मानजनक कपड़ा होता है। पूरी दुनिया में वन पीस ड्रेस जो होती है, एक ही तरह की बनी हुई जो ड्रेस होती है एक सी, और जो इसको वो लोग जो बताने वाले हैं पहनते हैं, वो हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई, जबकि थी हमारे भिक्कुओं की थी। इसलिए हम भिक्कू नहीं बन सकते क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, पर हम काम भिक्कुओं वाला करते हैं। इसलिए सफ़ेद रंग का ये जो समर संगी परिवत है ये चलेगा। और इसको पहन के देखिए, ये जो सत्थक दंड है इसको हाथ में लेके देखिए, इसको फोटो खिंचवा के देखिए, इसके साथ में आपको गर्व की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि आपके अंदर 100 हाथियों का बल आ गया है, ऐसा महसूस होता है इसे पहनते ही कि 100, क्योंकि ये संघ का वत्थ है, ये पूरे संघ का है, तो लगता है जैसे संघ का पूरा बल आ गया। ये ठीक ऐसे है जैसे पुलिस वाला अगर अकेला भी कहीं होता है और वो कहीं जा रहा होता है,
अगर उसके पास उसकी बढ़ती है तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जो बढ़ती है वो खाली खाकी कपड़ा नहीं होता, वो पूरे डिपार्टमेंट की शक्ति लेके चलता है। अगर आपने उस पुलिस वाले को कुछ कह दिया, कुछ उसको तुमने कुछ नुकसान पहुंचा दिया, कुछ उसको डंडे वंडे मार दिए, कुछ चोट पहुंचा दी, तो वो तो मारा जा सकता है, वो तो पिट जाएगा, पर उसका जो शक्ति बल है पूरा डिपार्टमेंट, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वैसे ही सेना का होता है, सेना में जो सैनिक होता है उसकी जो वर्दी होती है वो खाली कपड़ा नहीं होती, वो जो रंग होता है मिलिट्री कलर का, वो पूरी सेना का बल उसके साथ चलता है, इसलिए उसका सीना हमेशा चौड़ा रहता है और वो अकड़ के चलता है। इसीलिए पुलिस वाले अकड़ के चलते हैं, इसीलिए समर संगी भी अकड़ के चलता है, इसीलिए भिक्कू भी अकड़ के चलते हैं। भिक्कू कभी आपने झुक के चलते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि भिक्कू का जो चीवर है वो खाली अकेला भिक्कू नहीं है, पूरी दुनिया के जो लाखों करोड़ों भिक्कू हैं वो धम्म और वो भिक्कू साथ चलते हैं। पर समर संघ में क्या है, समर संघ के आदमी को, समर आदमी को कोई कहीं पीट दो, कोई मूछ काट दो, कोई बाल काट दो, कोई पेशाब कर दो, कोई हत्या कर दो, कोई बलात्कार कर दो, कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है, जो शक्ति है वो अलग अलग बिखरी हुई है, और शक्ति एक साथ नहीं है, इसलिए शक्ति नहीं है, वो विपत्ति है। बेसिकली हम अलग अलग पिट रहे हैं क्योंकि हम साथ नहीं हैं।